good afternoon dear students today's topic is transistor load line quiescent point and transistor biasing okay so let's start what is transistor load line so basically in previous video we already discussed about the transistor characteristics okay uh, in transistor characteristics

ये इनपुट साइड हो गया और ये आउटपुट साइड ठीक है अब हम लोग ऑलरेडी इसका वेब फॉर्म आपको याद होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो बेसिकली ये क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी कॉन्फिग्रेशन ठीक है इतना याद है सी कॉन्फिग्रेशन प्रीवियस वीडियो पे आप देखिएगा ठीक है इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ठीक है अब हम लोग को जानना है ट्रांजिस्टर लोड लाइन क्या होता है ठीक है so, सो देखिए जो मेरा इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसके किस पे के बीच होगा आउटपुट वोल्टेज ठीक है ये आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट जिस पे हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं तो ये मेरा आउटपुट ग्राफ आया था ठीक है अब इस ग्राफ में जो मेरा आईसी का वैल्यू ठीक है अगर हम इस आई का वैल्यू मैक्ममम जो होता है वो अगर पुट करेंगे और ये जो वी का वैल्यू मैक्ममम वैल्यू पुट मै करेंगे और उस वैल्यू को जब हम ज्वाइन करेंगे ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोड लाइन ठीक है line, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोड लाइन इसको डीसी लोड लाइन बोलते हैं ठीक है एसी लोड लाइन किसको बोलते हैं जो ये कंडीशन मेरा एसी के अगर केस में होगा तो उस कंडीशन को हम लोग ए लोड लाइन बोलते हैं ए लोड लाइन देखिए थोड़ा सा कर्व होता है ठीक है अब ये क्यू पॉइंट क्या होता है ये मेरा कौन सा रीज़न है एक्टिव रीज़न ठीक है ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीज़न में जब डीसी लोड लाइन मेरा आता है तो उसके बीच में जो लाइन कट होते इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन पॉइंट ठीक है ये मेरा बेसिकली क्या होता है ये हमेशा मिडिल में, में होना चाहिए फॉर प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए ठीक है ये ये पार्ट मेरा जो क्या होता है एम्पली एम्पलीफिकेशन के लिए होता है ठीक है ये इस पार्ट मेरा रीजन में मेरा एक्टिव रीज़न में ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करता है एज ए एम्पलीफायर ठीक है तो बेटर एम्प्लीफिकेशन के लिए जो क्यू पॉइंट है वो मेरा मिडिल में होना चाहिए तब मेरा जाके ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करेगा ठीक है सो एक बार देख लेते हैं रीड कर लेते हैं क्या लिखा है वैन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर करेंट इज़ कंसिडर द पॉइंट विल बी प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ नथिंग बट द सेचुरेशन पॉइंट ठीक है जब हम कंसिडर करेंगे आई सी मैक्सीम आई सी कलेक्टर करेंट वाई एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस ठीक है तो उससे पॉइंट को हम लोग ये पॉइंट मिला इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट ठीक है व्हेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज कंसिडर ठीक है मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कंसिडर करेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे द पोटेंशियल विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज कट ऑफ पॉइंट विच इज़ नॉन एज कट ऑफ पॉइंट और ये इसको क्या बोलते हैं जीरो सिग्नल कंडीशन भी इसको बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये मेरा क्या हो गया कट ऑफ पॉइंट और ये मेरा हो गया सेचुरेशन पॉइंट ठीक है अब इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मेरा बनेगा लोड लाइन ठीक है वैन अ लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट सच एज सच अ लाइन इज कॉल्ड अ लोड लाइन ठीक है द लाइन वेन ड्रॉन ओवर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स मैक्स अ कॉन्टेक्ट एट द पॉइंट कॉल ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं ये हमेशा मिडिल में होना चाहिए एक्टिव रिजन का ठीक है दिस इज़ वनली पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन वे डायोड वोल्टेज एंड करेंट कंपेटिवली विद द सर्किट कंडीशन ठीक है अब हम लोग को क्या करना है मैक्सीम देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सीम आई सी और मैक्सीम वी सी ई चाहिए तो वो कैसे होगा यहाँ हम लोग के लगाएंगे ठीक है यहाँ केवीएल लगाएंगे तो क्या वैल मेरा वैल्यू आएगा वी सी सी आई सी इंटू आर सी प्लस वी सी ई ठीक है ये मेरा केवियल इक्वेशन यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग जस्ट केवियल लगाएंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा ठीक है ये इक्वेशन मिला अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे ठीक है इस इक्वेशन में सबसे पहले वी सी ई को जीरो पुट करेंगे वी सी ई को जीरो पुट करेंगे तो आई सी वैल्यू हमको मैक्सिमम मिल जाएगा जो कि सेचुरेशन पॉइंट है फिर नेक्स्ट हम लोग आई सी का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमको क्या मिल जाएगा वी सी ई वी सी सी ठीक है इसके जगह हम आई सी को अगर यहाँ ज़ीरो पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो मीन्स वी सी सी इज इक्वल्स टू वी सी तो ये मैक्मम मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया मेरा लोड लाइन ठीक है अब ए सी लोड लाइन क्या होता Now, point, है ना ए सी लोड लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विच पासिस थ्रू द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू वन और क्यू अंडर ए सी कंडीशन ठीक है ए सी के कंडीशन में जो लाइन मेरा डी सी लोड लाइन से पास करेगा जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यू उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए सी लोड लाइन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक क्या है ट्रांजिस्टर बाइसिंग ठीक है वट इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग सो बाइसिंग का मतलब क्या होता है टू गिव द डी सी सप्लाई फॉर द प्रॉपर वर्क ऑफ द डिवाइस अब हम लोग क्या करें यहाँ पे बाइसिंग करेंगे ठीक है तो बाइसिंग का मेन परपज़ क्या होता है देखिए एक ट्रांजिस्टर कब एक्टिवेट होता है ठीक है अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसका इमीटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बाइस ठीक है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या होना चाहिए रिवर्स बाइस ठीक है तो इस दोनों को प्रॉपरली फॉरवर्ड वाइज करने के लिए और कलेक्टर बेस जंक्शन को प्रॉपरली रिवर्स वाइज करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर के बाइसिंग्स को करते हैं ठीक है बाइसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी ठीक है नीड ऑफ बाइसिंग टू इस्टेबलिस्ड क्यू पॉइंट इन देंटर ऑफ एक्टिव रीजन टू वर्क एज अ गुड एम्पलीफायर ठीक है ये जो मेरा क्यू पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट और इसको क्वेश्चन पॉइंट भी बोलते हैं इसको हम लोग हमेशा एक्टिव रीजन के मिडिल में रखते हैं क्यों ताकि ये मीन्स प्रॉपरली वर्क करें एज अ गुड एम्पलीफायर ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है स्टेबलाइज द कलेक्टर करेंट आई सी अगेंस्ट ट्रांजिस्टर वेरिएशन ठीक है आई सी जो करेंट है कलेक्टर करेंट को ये स्टेबलाइज करता है ठीक है नीड ऑफ बाइसिंग बाइसिंग की ये ज़रूरत होते ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है वंस द ट्रांजिस्टर बाइस ट्रांजिस्टर जब बाइस हो जाता है द वैल्यू ऑफ आई सी वी सी वैल्यू विल नॉट रिमेन सेम ठीक है मीन्स अगर मान लीजिए ट्रांजिस्टर बाइस हो गया तो आई सी का वैल्यू वी सी का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द क्यू पॉइंट शिफ्ट ठीक है ये जो मेरा आई सी होता है वो क्या होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ठीक है अगर हम ट्रांजिस्टर को बाइस कर ले लेकिन फिर भी मेरा आई सी और वी सी मेरा चेंज करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंडेंट ठीक है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मेरा आई सी इसलिए क्यू पॉइंट भी मेरा शिफ्ट करता है ठीक है सो द क्यू पॉइंट शुड बी स्टेबिलाइज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड चेंज द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है क्यू पॉइंट मेरा स्टेबलाइज होता है ट्रांजस्ट जो मेरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो इसके चलते क्या हो जाता है जो मेरा ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो भी हम लोग देखें वो भी मेरा चेंज करता है ठीक है तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी चेंज ड्यू टू अब मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट का मेन पॉइंट क्या होता है क्यों वो चेंज होता है ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा कि जो रिवर्स सेचुरेशन करेंट है ठीक है रिवर्स सेचुरेशन करेंट आई सी बी ओ ठीक है जो रिवर्स लीकेज करेंट का बात करते हैं वो डबल हो जाता है फोर टेन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स अगर टेन डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर में तो जो भी रिवर्स सेचुरेशन करेंट था वो मेरा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक है बेस बेसीमीटर वोल्टेज बी वी बी ई बेस बेसीमीटर वोल्टेज अगर क्या होता है मान लीजिए कि डिक्रीज़ करता है एट टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस पर तो अगर इतना मीन्स एक डिग्री सेल्सियस मेरा इंक्रीज होगा तो इतना टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ट या क्या करता है डिक्रीज़ करता है ठीक है रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली क्या है सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है ठीक है सो वी नो दैट हम लोग को एक इक्वेशन मिला था जिसको हम क्या बोल रहे थे जनरलाइज इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर ठीक है ट्रांजिस्टर कॉन्फिग्रेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया कैसे ये फाइंड हुआ है ठीक है तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज तो ये जो आई ये क्या होगा मेरा इंक्रीज करेगा आई सी बी ओ ऑ ऑल्सो इंक्रीजेज एंड देयर फॉर आई गेट इंक्रीजेस ठीक है अब ये भी इंक्रीज़ करेगा तो ओवरऑल ये जो कलेक्टर करंट है वो क्या होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा ठीक है ड्यू टू दिस पावर डेसिपेशन ऑल्सो इंक्रीजेज मान लीजिए कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ कर गया ठीक है अब कलेक्टर करंट इंक्रीज़ कर दिया तो वहाँ पे कलेक्टर mm, का क्या वर्क होता है कि वहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन्स को वो कलेक्ट करता है फिर उसको क्या करता है वो वहाँ से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है जिसके चलते हीट प्रोड्यूस होता है फिर उसको वो क्या करता है डेसिपेट करता है ठीक है तो अब यहाँ पे मान लीजिए ओवरऑल अगर टेम्परेचर के कारण टोटल आईसी इंक्रीज़ कर गया तो पावर डेसीपेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा और ये जो प्रोसेस होता है मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाएगा तो ये कॉमोलेटिव प्रोसेस हो जाएगा ठीक है जिसके चलते जो मेरा ट्रांजिस्टर वो हो, क्या होता है डैमेज हो जाता है ठीक है इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल रन अवे ठीक है थर्मल रन अवे, अवे जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि वाट इज थर्मल टर्न थर्मल रन अवे ठीक है तो यही केस होता है कि जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज आई सी बी ओ ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दर फॉर आई सी ऑल्सो गेट इंक्रीजेज ड्यू टू दिस पावर डेसिपेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दिस कॉमिनेटिव प्रोसेस विच मे इज द ट्रांजिस्टर इसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल रन अवे ठीक है नेक्स्ट स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है ठीक है व्हाट इज़ स्टेबिलिटी फैक्टर सो बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू आई आई सी ओ ठीक है मीन्स क्या लीकेज करेंट कीपिंग बीटा एंड वी बी ई कॉन्स्टेंट इसमें हम लोग बीटा वी बी ई को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर सो इसका मैथमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है एस इज रिक्वस्ट टू डेल आई सी अपॉन आई सी ओ इस पर बीटा एंड वीबी बी क्या मेरा कॉन्स्टेंट है स्मॉलर इज़ इस द वैल्यू ऑफ़ एस हायर विल बी स्टेबिलिटी मीन्स एस का वैल्यू अगर जितना कम हो उतना ज़्यादा ही जो मेरा स्टेबिलिटी मीन्स कोई भी ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर मेरा ट्रांजिस्टर कितना स्टेबिलिटी है वो मेरा डिसाइड करेगा तो जो मीन्स आइडियल जो वैल्यू होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का वो क्या होता है वन यूनिटी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है एस वी ठीक है इस केस पे हम लोग का जो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आई सी विथ रिस्पेक्ट टू बेस बेसीमीटर वोल्टेज ठीक है यहाँ वी मेंशन किया है तो मीन्स आई चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज यहाँ वोल्टेज हम लोग क्या ले रहे हैं वी बी बेसी मीटर वोल्टेज इस पर इस केस पे क्या क्या कांस्टेंट रहेगा आई एंड बीटा ये कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्या है एस सॉरी एस बीटा तो इस केस में मेरा बीटा के रिस्पेक्ट पे चेंज करेगा मेरा आई सी ठीक है और क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा आई सी ओ एंड वी बी ई कॉन्स्टेंट ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करेंट आई सी विथ रिस्पेक्ट टू बीटा कीपिंग आई सी ओ एंड वी बी कॉन्सटेंट ठीक है तो ये मेरा क्या आ गया एस बी आ गया ठीक है एस बीटा ठीक है फाइनल एक्सप्रेशन मान ये जो एक्सप्रेशन था मेरा ठीक है ये क्या है जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर ठीक है हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर को कैसे उसका स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करते हो ठीक है तो ये मेरा आईसी ऑलरेडी गिवन है अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे आईसी से ठीक है तो इसको डिफ्रेंशिएट किए बाय आईसी ठीक है तो फाइनल मेरा वैल्यू क्या आ गया ये तो वन हो गया ठीक है ये ये एज़ इट इज़ उतरा इस केस पे क्या हो गया ठीक है इसको जस्ट ओपन किए फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसको जस्ट अरेंज किए तो फाइनल मेरा स्टेबिलिटी का इक्वेशन क्या आ गया एस इज इक्व टू वन प्लस बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी ठीक है इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे क्या किया है? इसको जस्ट डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू आई सी इसको भी डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू आई सी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को देखिए हम लोग एस एस इज़ इक्व क्या होता है आई सी डेल आई सी अपन डेल आई सी यू स्टेबिलिटी फैक्टर है ठीक है तो इसको हम लोग वन अपॉन एस लिख सकते हैं ना वन अपॉन एस ठीक है अपोजिट है इसलिए ठीक है तो यहाँ पे जस्ट इसको एज इट इज़ उतारेंगे और इसकी जगह वन अपॉन एस लिख लिए ठीक है अब इसको रीअरेंज करेंगे ठीक है तो फिर फाइनल मेरा स्टेबिलिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है अब इस इस स्टेबिलिटी फैक्टर से हम लोग फाइंड करेंगे कि मेरा कोई भी ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग होगा वो मेरा स्टेबल होगा या नहीं होगा ठीक so, है सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट ठीक है सो ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट बेसिकली फोर टाइप्स में डिवाइड है फर्स्ट वन क्या है फिक्सड बाइसिंग सेकेंड वन इमीटर बाइसिंग थर्ड वन क्या है वोल्टेज डिवाइडर बाइस और सेल्फ बाइस और फिफ्थ सॉरी थर्ड वन है वोल्टेज डिवाइडर बाइस और सेल्फ बाइस और फोर्थ वन क्या है कलेक्टर टू बेस बाइस ठीक है तो इतने तरह का बाइसिंग्स हम लोग को पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी बाइसिंग्स को स्टडी करेंगे सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू ऑल ऑफ यू